और मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने विचारों से हमें अवगत करवाए श्री राज शेखावत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना गुजरात। मंचस्थ सभी महानुभावों को मेरा जय हिंद जय भारत और आप सभी जनता जनार्दन को मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदन, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी को हम सभी मंचस्थ महानुभावों की तरफ से कोटि कोटि वंदन है। मित्रों, 13 तारीख की घटना को लेके राजकीय किन्नाखोरी हुई, यह हम सबको पता है, यह हम सबको पता है कि राजकीय किन्नाखोरी हुई है। अब इस राजकीय किन्नाखोरी का जवाब देने के लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। उससे पहले मैं करणी सेना परिवार की ओर से इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। हमारे परिवार का ही सदस्य है, वो एक भारतीय है। हमें दुख है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत पे जो राजनीति हो रही है वो कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। क्या 36 करोड़ के लोग, समस्त भारतीय यहाँ पे उपस्थित हैं, सारी जातियां सारे धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एट्रोसिटी का दुरुपयोग सालों से होता आया है, उसे रोकना होगा, ये हम सबका दायित्व है। हमें एट्रोसिटी का कोई विरोध नहीं है, करणी सेना ने कभी एट्रोसिटी का विरोध नहीं किया। विरोध किया है तो इसके दुरुपयोग का किया है, विरोध किया है तो उस प्रोत्साहन मनी का किया है जो इन लोगों को दी जाती है। ये विरोध हमारा जायज है, नाजायज नहीं है। मित्रों, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, बताइए कि ये तो दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकना चाहिए कि नहीं? कितना तैयार हाथ से बताइए मुझे, ऊपर रोकना चाहिए ना दुरुपयोग? हमें वो दुरुपयोग ही रुकवाना है। और आज यहाँ उपस्थित 36 कौम के लोगों की एक ही मांग है कि इसकी CBI जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो और निर्दोष छेल सिंह जी को तुरंत प्रभाव से जेल से रिहा कराया जाए, नार्को टेस्ट हो और जो भी कार्य करे, लेकिन हमें न्याय और अधिकार की आवश्यकता है और वो लेके रहेंगे। तैयार है ना हम सब? आदरणीय सुखदेव सिंह जी ने अल्टीमेटम दे दिया है, उसके बाद शर्मा जी आए, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है। अब सरकार को सुनिश्चित करना है कि वो न्याय कैसे देगी, शांति से देगी या क्रांति से देगी। हम तैयार हैं। सर, मैं तो एक फौजी आदमी आपके सामने खड़ा है, एक फौजी आदमी जो समस्त देश को एक समान समझता है और आप सब भी समझते हो, तभी 36 कौम यहां उपस्थित हुई है आज। लेकिन ये भेदभाव क्यों, ये अत्याचार क्यों, क्यों हर बार हम लोगों को टारगेट किया जाता है, क्यों हर बार झूठे एट्रोसिटी के केस हम पे किए जाते हैं, आखिरकार कब तक? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं सरकारों को कि ये जो झूठे केस होते हैं, उन झूठे केसों का कोई तो रास्ता निकालो, और जो भी ये झूठे केस करता है उसके सामने भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं भाई साहब? होनी चाहिए ना? हमें मजबूर मत करो, हमें मजबूर मत करो, तलवारें मयान में रखिए, चलाना नहीं भूले हैं हम लोग, अभी तक नहीं भूले हैं। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्ता का कार्य क्षत्रियो का है, पर क्षत्रिय सत्ता में है ही नहीं, तो साहब न्याय अधिकार मिलेगा कहां से? एक क्षत्रिय बैठा है वहां पे उत्तर प्रदेश में, न्याय अधिकार दे रहा है, सभी के साथ न्याय कर रहा है, उनको अधिकार दे रहा है। साहब, मैं जनता से कहना चाहता हूं, सब क्षत्रियों को सत्ता में लाओ, न्याय अधिकार मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। साहब, मेरी आप सबसे विनंती है कि साहब ये आग बुझने मत देना, ये आग बुझने मत देना। 36 कौम यहां उपस्थित है, हम न्याय और अधिकार लेके ही यहां से जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गरीब गुजरात।